बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 1 में जितने भी एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट किया था। आज भी हम चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे और आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 6 से। इस पेज पर हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो कि स्टार्ट होगा यहाँ से, यू कैन सॉल्व से लेकर जो आपके पास ये 4 पॉइंट्स हैं यहाँ तक। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, राइट द मेथड टू सॉल्व अ सर्च प्रॉब्लम। और जब आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जो दिस का वर्ड है ये आपने नहीं करना। यू कैन सॉल्व सर्च प्रॉब्लम बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, और उसके बाद आपने ये 4 मेथड्स लिख देने हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे वो है फ्लो चार्ट्स। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी, MCQs के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। इसमें जो सबसे पहला MCQ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, फ्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्लो चार्ट्स की डेफिनेशन पे। इसकी जो डेफिनेशन है वो इस पैराग्राफ से स्टार्ट होगी, अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से लेकर इस पैराग्राफ के लास्ट तक। उसके अलावा यहाँ पर फ्लो चार्ट की एक डेली लाइफ एग्जाम्पल गिवन है, आप एग्जाम्पल भी करेंगे। इस डेफिनेशन में से कुछ MCQs भी आ सकते हैं। सबसे पहला MCQ है, फ्लो चार्ट सिंबल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोस। नेक्स्ट जो आपके पास MCQ बन सकता है वो है, एरोस यूज टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 7, जिस पर सबसे पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस पैराग्राफ में से आपको MCQs भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आप ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे यहाँ स्टार्ट से लेकर अदर पीपल तक। इसके अलावा यहाँ पर एक MCQ है, इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट, तो इस लाइन में से MCQ बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर डेफिनेशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है, डिफाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर व्हाट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ से लेके अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इस पैराग्राफ के लास्ट तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिटरमिनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए, नेक्स्ट टॉपिक है डिटरमिनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर ए फ्लो चार्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है ये, और इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs भी बनते हैं, इसीलिए ये टॉपिक आपने कंप्लीट करना है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप इसे यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा इस पैराग्राफ में एक MCQ है, इनपुट मीन्स टेकिंग डेटा फ्रॉम द यूज़र, तो ये लाइन जो है इसमें से MCQ बन सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपका इस टॉपिक में एक सब टॉपिक है इनपुट्स। लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप इसे कंप्लीट लिखेंगे, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, डिफाइन इनपुट्स या व्हाट इज इनपुट, तो ये पैराग्राफ आप कंप्लीट लिखेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग, ये भी कंप्लीट करेंगे। अ फ्लो चार्ट ऑल्सो कंटेन्स से लेकर इस पैराग्राफ के लास्ट तक, और यहाँ पर प्रोसेसिंग की एक डायग्राम भी बनी हुई है, आपने ये भी बनानी है। उसके अलावा इस टॉपिक में एक एमसीक्यू है, द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड स्टोरिंग द रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशन। तो ये एमसीक्यू दोनों तरह से आपको आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, ये भी आप कंप्लीट करेंगे। टू डिटरमिन से लेकर इस पैराग्राफ के लास्ट तक, डिसीजन मेकिंग तक। आउटपुट्स, ये टॉपिक भी आपने कंप्लीट करना है। आउटपुट्स आर यूज टू डिस्प्ले से लेकर इस पैराग्राफ के लास्ट तक। तो ये सब टॉपिक्स जो हैं ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिखने हैं, और ये इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, डिफाइन इनपुट्स, डिफाइन प्रोसेसिंग, डिफाइन डिसीजन मेकिंग और डिफाइन आउटपुट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट सिंबल्स, ये भी आपने कंप्लीट करना है। इस पैराग्राफ से स्टार्ट होगा, फ्लो चार्ट्स एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली। इस पेज पर फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स हैं उनका एक टेबल बना हुआ है, ये टेबल आपने कंप्लीट करना है। इसमें ये जो पॉइंट है सिंबल्स, उसके बाद है नेम्स, और फिर है इसकी डिस्क्रिप्शन। तो आपको हर सिंबल का नेम और उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकती है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फ्लो लाइंस इन अ फ्लो चार्ट, या फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टर्मिनल सिंबल इन द फ्लो चार्ट। इसी तरह से प्रोसेस और डिसीजन जो हैं इनसे रिलेटेड भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। लास्ट पर दो और फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं, इनपुट और आउटपुट सिंबल और कनेक्टर सिंबल। इसकी भी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने अच्छे से याद करनी है, एमसीक्यूज के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। आपसे इनका पर्पस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स, एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इस पैराग्राफ में आपके पास दो एमसीक्यूज हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा, द रिजल्ट्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, वी प्रिंट द रिजल्ट ऑन सम आउटपुट डिवाइसेस। जो सबसे पहला फ्लो चार्ट आप यहाँ पर बनाएंगे वो है टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फारेनहाइट टेम्परेचर। जो फ्लो चार्ट यहाँ पर बनाया गया है आपने इसे अच्छे तरीके से करना है, और इस पैराग्राफ में इस फ्लो चार्ट की डिस्क्रिप्शन बताई गई है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स हैं, टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड। अगर हम फिजिक्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम पहले अपनी आसानी के लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टू फाइंड प्लेन द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। तो ये सब जो फ्लो चार्ट्स हैं ये आपने अच्छे से करने हैं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5, टू फाइंड द सम
प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। तो ये फ्लो चार्ट आपने बनाना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। अगली एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6, टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसमें आप ये फ्लो चार्ट बनाएंगे, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा। नेक्स्ट पेज पर एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7, टू डिटरमिन वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। तो ये फ्लो चार्ट भी आपने अच्छे से करना है। यहाँ पर जो पैराग्राफ गिवन है, इसमें इस फ्लो चार्ट की डिस्क्रिप्शन बताई गई है, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।